हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है प्रजापति गेमिंग चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी कमाल का और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पांच ऐसे ट्रिक बताऊंगा। अगर आप इन ट्रिक को मैच में यूज करते हैं तो भाई सामने वाला बंदा यानी एनिमी परेशान हो जाएगा और आप 1v4 कर सकती हैं। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो। प्लीज़ अभी के अभी लाइक कर दो और आप इसको शेयर कर देना, ताकि और लोग भी, जो लोग पबजी खेलते हैं, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो पाए, वह भी सरप्राइज अटैक कर पाएँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी आपको बहुत ही कमाल कमाल की वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों, जो आज की पहली ट्रिक है, मिल्टा पावर के फैक्ट्री में काम करती है। अक्सर यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं और बहुत बार होता है कि मिल्टा पावर लोग चले जाते हैं। कुछ बंदे मिल्टा पावर जाते हैं, कुछ बंदे फैक्ट्री में रुक जाते हैं। अगर दोस्तों आप फैक्ट्री में रुकते हैं, अगर आप फैक्ट्री में रुकते हैं और आप अच्छी खासी लूट कर लेते हैं, तो मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट जगह बताता हूं जहां से आप सरप्राइज अटैक कर पाएंगे और बंदे को पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा बंदा मुझे कितना ढूंढ रहा था लेकिन फिर भी नहीं पाया। अब अगर मान लीजिए आप मिल्टा पावर जाते हैं और फैक्ट्री में कुछ बंदे हैं, तब भी आप यहाँ पे कैम्प कर सकते हैं और फैक्ट्री के बंदों को बहुत ही आसानी से किल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी बहुत लूट लेके यहाँ पे चले आना है, इस टूटी सी दीवार के पास चले आना है। अब आपको क्या करना है, आपको दीवार की साइड में जाना है। उसके बाद में आपको एक छोटा सा जंप लगाना है। जैसे आप जंप लगाएंगे, आप टूटी हुई दीवार पे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद में आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जंप करके आगे जाना है। जैसे आप जंप करके आगे जाएंगे, उसके बाद में आपको जंप करना है, ठीक है। जैसे आप जंप करेंगे, यह लेस ग्रैबिंग करके ऊपर चढ़ जाएगा। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुझे चारों तरफ का व्यू मिल रहा है। कौन बंदा कहाँ पे गया, कैसे आया, कैसे गया, यहाँ से मैं सब कुछ देख सकता हूँ। अगर आपके पास स्नाइपर रहेगी तो भाई कसम से ना, आप सारे बंदों का सिर्फ हेड ही उड़ाएंगे। अब दोस्तों, अगर फैक्ट्री में बंदे रहते हैं तो आप उनका किल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे यहाँ से, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से सारा व्यू बहुत ही कमाल का मिल जाएगा, ठीक है। मैं बंदे को बुला रहा हूँ, अभी आप देखना बंदा मुझे कितना ढूंढेगा लेकिन फिर भी नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं कि बंदे का फुटप्रिंट आ रहा है, लेकिन बंदा मुझे बहुत ढूंढता है और मुझे पाता भी नहीं है। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए इसको परेशान कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखते जाइए, आपको मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, यह जो ट्रिक है काफ़ी कमाल की। अगर लास्ट जोन यहाँ पे बनता है तो भाई कसम से बंदा खोजते खोजते आपको परेशान हो जाएगा। अगर दो तीन बंदे रहते हैं, अगर आप उनको स्पॉट कर लेते हैं, तो आप उनका किल भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, वह बंदे आपके यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। अब दोस्तों, जो सेकेंड ट्रिक है, रोजक में काम कर रही है। आपने देखा होगा, रोजक में इतने सारे बंदे आते हैं कि भसड़ मच जाता है। तो भाई यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही कमाल का सीक्रेट लोकेशन बताता हूँ। अगर आप वहाँ पे बैठ जाएंगे तो आप बंदे का बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे, बंदा आपको स्पॉट भी नहीं कर पाएगा आप हो कहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर की साइड में जाना है, आपको जाना है ऊपर की साइड में। आप देख सकते हैं, वेयर हाउस के बगल वाला घर है, तो यह ट्रिक यहीं पर काम कर रही है। तो आपको ऊपर जाना है। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने टीम के अकेले बसते हैं और सामने वाले एक दो तीन चार बंदे बसते हैं और हमारे ऊपर रश कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस लोकेशन पे जाके बैठ जाते हैं ना, तो सामने वाला बंदा आपको सर्च नहीं कर पाएगा, स्पॉट ही नहीं कर पाएगा आप हो कहाँ पे, और आप उनका किल बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों, यह ट्रिक करने के लिए आपको जाना है वाल पे, ये जो वाल है आपको वाल पे जाना है। उसके बाद में आपको दौड़ते हुए जंप कर देना है। जैसे आप जंप करेंगे, आप पेड़ की टहनी पे जाके बैठ जाएंगे। हो सकता है दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम करें तो आपका जजमेंट बरोबर ना मिले, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे, तो आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको वाल पे चढ़ना है, अगर आपके पास बूस्टर रहता है तो आप थोड़ा सा बूस्ट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको वाल पे चढ़ना है। वाल पे चढ़ने के बाद में आपको दौड़ते हुए जंप करना है, ठीक है। जब आप लास्ट पोजीशन पे जाएं तभी आपको जंप करना है, और आपको बाहर की साइड नहीं बल्कि पेड़ की टहनी की साइड जंप करना है। आप देख सकते हैं कि मेरा एक बार मिस हो गया। अब चलिए मैं आपको सेकेंड टाइम करके दिखा देता हूँ। तो आपको बाहर की साइड नहीं बल्कि पेड़ की टहनी की साइड जंप करना है, कुछ इस तरह से। बूम, तो आप देख सकते हैं कि मैं आ गया पेड़ के ऊपर। आप देख सकते हैं, अब यहाँ से आपको बहुत ही कमाल का पोजीशन मिल जाएगा। अगर दोस्तों वेयर हाउस में बंदे आते हैं, तो आप उनका किल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और बंदे आपको स्पॉट भी नहीं कर पाएंगे कि आप इस टहनी पे बैठे हो। अगर बंदे ट्रिपल स्टोरी में आपको सर्च करेंगे, बोलेंगे यार बंदा यहीं पे था, कहाँ गायब हो गया, हैकर था, वैकर था, मतलब तमाम बातें बोलेंगे। तो यह ट्रिक जो बहुत ही कमाल की, अगर आप थोड़ा सा और जंप करके पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहेंगे तो आप इससे ऊपर और भी चढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ की यह जो ट्रिक है मुझे बहुत ही कमाल की लगी।
आप इस साइड अगर थोड़ा सा और चढ़ना चाहेंगे तो शायद आप चढ़ पाएंगे, मैं कोशिश नहीं किया, अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद आप चढ़ पाएंगे। अब दोस्तों जो तीसरी ट्रिक है मिल्टा में काम कर रही है, आपने देखा होगा मिल्टा में एक छोटा सा मतलब रोड की साइड में बना होता है, क्या बोलते हैं उसका नाम मुझे नहीं पता, अक्सर बंदे नोवों से लूट के जाते हैं उस साइड में मिल्टा साइड में। अगर आप वहाँ पे कैंप कर देते हैं, अगर आप वहाँ पे छुप जाते हैं, बहुत ही कमाल का लोकेशन है, अगर आप वहाँ पे छुप जाते हैं तो आप बंदे का बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे और बंदा समझ भी नहीं पाएगा आपने उसको मारा कहाँ से। तो दोस्तों यह जो ट्रिक है यहाँ पे काम कर रही है, आप देख सकते हैं कि रोड की साइड में अगर आप इनके ऊपर जाके बैठ जाते हैं थोड़ी बहुत लूट करके, अगर बंदे आते हैं तो भाई आपको स्पॉट नहीं कर पाएंगे और आप उनका किल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब दोस्तों मान लो अगर आप अपने स्क्वाड के अकेले बचे हो, अगर आप अपने स्क्वाड के अकेले बचे हो, अगर आप कैंप करके किसी को मारना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, इस बक्से पे चढ़ना है, उसके बाद में आपको आगे की साइड में जंप करना है, जंप करने के बाद में आपको थोड़ा सा पीछे जाना है, उसके बाद में जंप करना है। जैसे आप जंप करेंगे आप देख सकते हैं कि मैं इस क्या बोलते हैं यार इसका नाम तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कवर के लिए चारों तरफ टीन का पत्रा लगा हुआ है, लोहे वाला पत्रा लगा हुआ है, तो भाई बंदा सामने की साइड से आपको तो नहीं मार पाएगा लेकिन आप पिक करके उस बंदे को बहुत ही आसानी से मार पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ गैप भी है, अगर आप इस गैप से किसी को मारेंगे तो भाई बंदा पागल हो जाएगा, बोलेगा मुझे गोली पड़ कहाँ से रही है, मतलब बंदा परेशान हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो ट्रिक है काफी कमाल की है, आप देख सकते हैं। दोस्तों मान लो आपके स्क्वाड के दो ही बंदे बचे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने बंदे को उस साइड भेज देना है और आपको इस साइड हो जाना है, फिर उसके बाद में अगर कोई भी यहाँ से गाड़ी पास होती है, कोई भी गाड़ी पास होती है तो आप उसको बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, सारे बंदे को किल कर पाएंगे। दोस्तों आपको यही सेम टू सेम घर मिल्टा के थोड़ा सा आगे, इसी रोड के थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और आपको यासनाया में मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं एरेंगल में जहाँ पे आपको यह सारे घर देखने को मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यही वह लोकेशन है। दोस्तों अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि अक्सर अक्सर जोन यहीं पे बनता है, मैं कई बार यहाँ पे मारा गया हूँ, अक्सर जोन यहीं पे बनता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सेम टू सेम यही ट्रिक करना है, आपको जंप करना है, जंप करने के बाद में जाके उसमें बैठ जाना है, यानी अगर आप प्रोन होना चाहते हैं तो आप प्रोन हो सकते हैं, अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा भाई अगर आप इसमें बैठें तो आप प्रोन हो जाएं, जैसे बंदा आता है आप बैठ के उसका किल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, आपको दोनों साइड में यह लोकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों जो चौथी ट्रिक है यहाँ पे काम कर रही है, वाटर सिटी के इस वाले घर में काम कर रही है। कई बार क्या होता है कि बंदे यहाँ पे कैम्प करके बैठ जाते हैं, सीढ़ियों पर कैम्प करके बैठ जाते हैं या तो अंदर जाके कैम्प कर देते हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, आप डायरेक्टली घर में जा सकते हैं और आप सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको दौड़ते हुए जाना है और कंटेनर पे जंप लगाना है, ठीक है, दौड़ के जाना है, अगर आप खड़े होकर लगाएंगे तो आप नहीं चढ़ पाएंगे, तो आपको दौड़ के जाके जंप लगाना है, वैसे आप कंटेनर पे चढ़ जाएंगे लेस ग्रैपिंग करके। अब आपको थोड़ा सा पीछे जाना है, अगर आपके पास बूस्टर है तो आप बूस्ट कर लीजिए, आपको थोड़ा सा पीछे जाके जंप करना है, जैसे आप जंप करेंगे आप देख सकते हैं कि भाई मैं अंदर आ चुका हूँ। अब दोस्तों अगर यहाँ पे कोई बंदा कैम्प कर रहा है तो आप उसका बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे, बंदा समझ भी नहीं पाएगा आप अंदर कैसे आए। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है मुझे बहुत ही कमाल की लगी। अब दोस्तों जो पांचवी ट्रिक है स्कूल के इस लोकेशन पे काम कर रही है, आप देख सकते हैं कई बार क्या होता है कि बंदे हमारे ऊपर रश कर देते हैं, हमारे कुछ बंदे मारे जाते हैं और बंदे हमारे ऊपर रश कर देते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इस कॉर्नर पे जाके बैठेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे जाना है, अगर आप यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे तो भाई बंदा आपको स्पॉट भी नहीं कर पाएगा और आप उसका बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे। दोस्तों यह ट्रिक तो मुझे कुछ खास नहीं लगी बट मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रेलिंग पे जाना है, ये जो रेलिंग है रेलिंग पे आपको जंप करके खड़े हो जाना है, रेलिंग पे जाने के बाद में आपको दीवार से सट जाना है, सट के आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जैसे आप जाएंगे जो दीवार का कॉर्नर निकला होता है आप उस पर खड़े हो जाएंगे, आप देख सकते हैं मैं कॉर्नर पे आ चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ से आप किसी भी बंदे का बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे, क्योंकि जब बंदे यहाँ पे आते हैं तो कॉर्नर पे नहीं देखते, अगर बंदा सिंगल है तो आप उसका बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे, अगर दो तीन है तो भाई आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आप थोड़ा सा फुर्ती दिखाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहाँ से सारा लोकेशन मिल रहा है, तो अगर आपके पास स्नैपर है तो आप किसी भी बंदे का बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यह वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ आप मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताइए आपको इन पांचों ट्रिक में सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया, 1 2 3 4 5, प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएँ,
आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।